तो कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो गाइस अभी शाम के बज गए 5, तो मैं कंपनी से आ गया हूँ। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस मैं कंपनी से आने के बाद ये दोनों खेल रहे हैं माँ बेटों, देख लो बाबू को खिला रही, बाबू को खिला रही है ये। गोलू गोलू बोलो, देख बेटू ये देख बाबू, हाँ बात कर, हाय कर, हाय कर दे। अभी इतना बड़ा नहीं हुआ ना, अभी तो 4 महीने का हुआ है ये, 4 का हुआ ही नहीं है, 3.5 का हुआ है। तो भाई जब बाबू खेल रहा है मेरा, इतनी देर तो रोने लग गया था, अब इसे दूध पिला दिया ना तो खेल रहा है, बाबू खेल रहा है मेरे बेटा बिट्टू, ये बिट्टा कन्नू देख ले ले अबू, ना 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 गंदी बात। आजकल ये खाना सीख गए, कुछ भी खा लेता है, मुंह में हर कुछ ले लेता है। ले ये देख, आधे देख देख, हाय कर दे, हाय करो, हाय कर दे। तो गाइस अभी गोलू खेल रहा है, अभी गोलू 3 महीने का हो गया है पूरा, 16 तारीख को ये पूरा 3 महीने का हो जाएगा। तो गाइस हमारा बाबू 3 महीने का हो गया है, और कुछ कमेंट आते हैं कि आपका बाबू हुआ था तो आपने वीडियो नहीं बनाया था क्या, जो घर पे लेके आए वीडियो नहीं, तो हम उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम घर पे थे ना उस टाइम, तो घर पे हम वीडियो नहीं बना सकते, व्लॉग वगैरह नहीं बनाए। अब हम स्टार्ट किया, अभी गोलू 3 महीने का हो गया है, और मेरे बाबू का नाम प्रतीक है, और अभी हम जयपुर आ गए ना तब वीडियो ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है जयपुर में। तो गाइस हम दिवाली पे घर जाएंगे, तब तक हम जयपुर में ही हैं। तो बाबू बोल दे, दिवाली पे घर जाएंगे ना तो सबसे मिलाएंगे। दोस्तों आपसे मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत से भाइयों के मैसेज आते हैं कि भैया हमें लव मैरिज के बारे में कुछ बता दो, तो उनसे मेरा एक ही बात का कहना है कि आप मेरे को है ना ऐसी बात के लिए मैसेज मत किया करो, क्योंकि मैं है ना अब है ना ऐसी चीज़ों से बहुत दूर आ चुका हूँ, मेरे भी बच्चा हो गया है, तो मैं ऐसे लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। तो इस बात के लिए आपसे सॉरी मांगता हूँ कि मैं आपको कोई भी जानकारी मेरी तरफ से नहीं दे पाऊँगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो और भी वीडियो आप उनसे बात करो, उनसे उनको देखो, पर मेरे से ना आप ऐसी उम्मीद मत रखना। तो गाइस और कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप भाई समझ के बोल सकते हो, पर शादी वगैरह के लिए लव मैरिज कोर्ट मैरिज ये मेरे से बात मत करना आप, क्योंकि मेरे बाबू हो गया है ना, तो मैं ऐसे लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मेरे कैरियर का भी कुछ करना है, तो ऐसे लफड़ों में कुछ भी हो सकता है, मैं ऐसी बातों में नहीं आना चाहता। लाइफ में खुश हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, और आप सभी का प्यार रहा तो मैं जल्द ही कुछ बन के दिखाऊँगा, तो आप मुझे अपना प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए, और कोई हेल्प चाहिए तो आप अपना भाई समझ के आप मुझे बोल सकते हो। पर गाइस लव मैरिज या कोर्ट मैरिज या कुछ भी मेरे को शादी के बारे में तो आप मुझे पूछना ही मत, क्योंकि और गाइस ऐसा काम करने से पहले ना एक बार घर वालों को मनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि उनको पता लगे तो सही कि आप शादी करना चाहते हो, दूसरे को पसंद करते हो, आप शादी करना चाहते हो, घर वालों को बताओ तो सही। अगर क्या पता घर वाले मान जाए तो आपका ऐसा कदम ही नहीं उठाना चाहिए फिर, तो आप है ना एक बार है ना घर वालों को बोल देना कि हम है ना शादी करना चाहते हैं, क्या पता घर वाले मान जाए आपकी शादी करा दे, ऐसी नौबत ही नहीं आए। नहीं तो गाइस लव मैरिज करने के बाद है ना बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मैं तो ऐसी सिचुएशन से गुजरा हुआ हूँ। अभी दिन थोड़े अच्छे आए हैं, पहले मेरे दिन निकले ना 1-2 साल, बहुत बुरा दिन निकला है मेरा, मैं आपको खुल के बताऊँगा। एक टाइम दिल्ली में रहा था ना मैं, बहुत परेशान हुआ था गाइस, बहुत परेशान हुआ था दिल्ली में। आप ऐसा सोच रहे हो कि वो रोज़ घूमते थे वैसे करते थे, वो हमें पता है हम कैसे घूमते थे रोज़। हमारा बाबू हो गया, हम आराम से खुश है हमारी लाइफ में, पर दिल्ली में ना बहुत दिक्कत होती है, वहाँ जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है तो एक दूसरे को अलग अलग रहना पड़ता है, उधर भी दिक्कत आती है। और अभी तो दिल्ली में ना ऐसे पता चल जाता है कि ये लव मैरिज कर किया हुआ है। तो दिल्ली में जल्दी जॉब नहीं मिलती है, ऑफिस वगैरह में जॉब नहीं देते, फैक्ट्री कंपनी में जॉब करनी पड़ती है। कोई बेचारा पढ़ाई लिखाई करके जाता है, जॉब किया हुआ ही नहीं है, उसको बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आप है ना पहले ना घर वालों को मनाओ, आराम से सोच समझ के ये कदम उठाओ। पर मेरी तरफ से ना आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। मैं इस झंझट से निकल गया हूँ, अब बहुत दूर हूँ मैं इस झंझट से। मेरी तरफ से आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए सॉरी। जो भी हो कुछ मदद चाहिए शादी के अलावा तो आप खुल के अपने भाई को बोल सकते हो, मैं ज़रूर करूँगा। और आप भी मुझे YouTube पे सपोर्ट करो, तो बने रही वीडियो में। आगे दिखाता हूँ मैं। अभी खाना बना रही है वो, अभी खाना बना रही है। अभी सब्जी बना रही है। हाँ हमारी लाइफ में कुछ है गाइस, क्योंकि हमारे ये गोलू हो गया ना, मेरी गोली हो गई। बस आपका सपोर्ट चाहिए हमें YouTube से, ताकि हम अपना गाइस बाबू होने के बाद है ना हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गए। क्योंकि हम अब सोचते हैं हमारे लिए ये सब कुछ है, तो हम ऐसा कुछ गलत काम नहीं करें कि आगे जाके इसको कोई दिक्कत हो। तो हम दोनों हमारे साथ रखते हैं और बाबू को साथ रखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। खाना बना रही है वो, सब्जी बन गई है और बाबू भी सो गया है। अभी मेरी गुल्ली सो गई है, अब उठेगा ये खाने के टाइम, जब खाना खाएगी ना वो तब उठेगा। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। तो गाइस ब्लॉग देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।